सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो दोस्तों, YouTube की तरफ से फिर से एक और यहाँ पे बड़ा अपडेट निकल के आ गया है, और ये अपडेट यहाँ पे उन लोगों के लिए होने वाला है जिसका यहाँ पे YouTube के ऊपर चैनल मोनेटाइज हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, आपने भी अगर यहाँ पे अपना YT स्टूडियो को ओपन किया होगा, सो आपको भी टॉप पे कुछ ऐसा YouTube की तरफ से एक मैसेज या फिर आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा होगा। सो बहुत लोग सोच रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर आपको एड्स के बारे में YouTube कुछ यहाँ पे बता रहा है। तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका जिनका चैनल यहाँ पे YouTube के ऊपर मोनेटाइज हो चुका है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन उन्हीं लोगों को आई है जिनका चैनल यहाँ पे YouTube के ऊपर मोनेटाइज हो चुका है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो जब आप अपना यहाँ पे YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करते होंगे तो आपको टॉप पे YouTube की तरफ से एक नोटिफिकेशन देखने में मिलता होगा, जिसके अंदर YouTube ने यहाँ पे कुछ एड्स के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि आपको ये नोटिफिकेशन देखने में मिलता होगा, ड्यूरिंग अपलोड टर्निंग एड्स ऑन नाउ मीन्स डैट प्री रोल पोस्ट रोल स्कीपेबल नॉन स्कीपेबल एड्स मे अपियर बिफोर आफ्टर योर लॉन्ग फॉर्म वीडियो। यही सेम टू सेम नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के अंदर आपके YT स्टूडियो के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा है कि इसके बारे में YouTube क्या बता रहा है एड्स के बारे में और इसका मतलब क्या है। सो इसके लिए आपको इसके नीचे आपको दो ऑप्शन देखने मिलता है, डिसमिस और लर्न मोर। अगर आपको इसे नहीं पढ़ना है, नहीं समझना, तो आप डिसमिस कर सकते हो। डिसमिस करने से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको पूरा इसका डिटेल इसके बारे में आपको जानना है तो सिंपल से आपको लर्न मोर वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे, सो YouTube ने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि जो प्री रोल एड्स है, पोस्ट रोल एड्स है, स्कीपेबल नॉन स्कीपेबल एड्स है, ये सारे एड्स जो हर एक क्रिएटर अपने खुद से मतलब अपने खुद के चॉइस के हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर पाता था। यानी वो अगर चाहे तो अपनी वीडियोस के ऊपर सिर्फ स्कीपेबल एड्स लगा सके, नॉन स्कीपेबल एड्स को अगर वो नहीं चाहता कि मेरे वीडियोस के ऊपर आए तो उसे नॉन स्कीपेबल एड्स को वो टिक वाला ऑप्शन हटा देता था। यानी वो अपने वीडियोस के ऊपर नॉन स्कीपेबल एड्स नहीं लगाता था, सिर्फ स्कीपेबल वीडियो एड्स लगाता था, या फिर इसका उल्टा, वो यहाँ पे सिर्फ नॉन स्कीपेबल एड्स लगाता था, स्कीपेबल एड्स नहीं लगाता था। तो वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने वीडियोस के ऊपर सेट पहले कर पाता था और मैनेज कर पाता था। बट इस अपडेट के बाद से YouTube ने क्या किया कि अब से आप यहाँ पे कोई भी एडवर्टीजमेंट्स को मैनेज नहीं कर पाओगे। यानी आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्कीपेबल नॉन स्कीपेबल ये अपने हिसाब से आप अपने चॉइस के हिसाब से अपनी वीडियोस के ऊपर नहीं सेट कर सकते। अब ये सब कुछ दोस्तों जो भी है एड्स के बारे में, ये सब कुछ YouTube ही आपके वीडियोस के ऊपर मैनेज करेगा। यानी YouTube के हिसाब से आपके वीडियोस के ऊपर अब स्कीपेबल एड्स आएंगे, नॉन स्कीपेबल एड्स आएंगे, जो चाहे वो YouTube अपने हिसाब से डिसाइड करके, व्यूअर के हिसाब से डिसाइड करके आपके वीडियोस के ऊपर एड्स दिखाएगा। जो कि इस अपडेट्स के पहले आप अपने हिसाब से अपने वीडियोस के ऊपर एड्स को मैनेज कर पाते थे। अगर आप चाहे तो आपके वीडियोस के ऊपर नॉन स्कीपेबल एड्स ही आएंगे तो आप वो सेट कर सकते थे, अगर आप चाहे तो स्कीपेबल एड्स आए तो वो भी आप सेट कर सकते थे। बट इस अपडेट के बाद से YouTube ने ये सारा जो भी मैनेज करने का जो पहले फंक्शन था इसे यहाँ पे बंद कर दिया, और सब कुछ अब YouTube खुद ही मैनेज करेगा पूरे एडवर्टाइजमेंट सेक्शन को। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते थे, अपने वीडियोस के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे नॉन स्कीपेबल एड्स का वाला ऑप्शन को रख देते थे। यानी जब भी व्यूअर उनकी वीडियोस को क्लिक करेगा तो नॉन स्कीपेबल एड्स शो होंगे, तो वो उस एड्स को उसको पूरा वॉच करना होगा, यानी वो स्कीप नहीं कर पाएगा। उसके अंदर स्कीप का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता, आपको पूरा एड्स को देखना पड़ता है। इसके वजह से यूट्यूब यहाँ पे अब व्यूअर के अकॉर्डिंग आपकी वीडियोस के ऊपर खुद ही एड्स को मैनेज करेगा। यही कुछ इस अपडेट इस नोटिफिकेशन के अंदर यूट्यूब ने बताया। तो मैं आपको चलिए एक प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप YouTube स्टूडियो के अंदर कोई भी वीडियोस के ऊपर आप क्लिक करते हो, देन आप जब यहाँ पे ऊपर एडिट के लिए पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करते हो, फिर अगर आप जब मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में जाते हो, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मोनेटाइजेशन यहाँ पे ऑन है। नीचे आपको पहले स्कीपेबल नॉन स्कीपेबल एड्स को यहाँ पे टिक का ऑप्शन लगाने आता था। यानी आप चाहे तो वो रख सकते हो नॉन स्कीपेबल, या फिर आप चाहे तो स्कीपेबल रख सकते हो, या फिर दोनों रख सकते हो, ऐसा ऑप्शन आता था। अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी एडिट मैनेज करने का ऑप्शन कुछ भी नहीं आ रहा है। ऊपर टॉप पे ही लिखा हुआ है YouTube सिलेक्ट्स एंड प्लेस एड्स फॉर ईच वीडियो। यानी अब YouTube सिलेक्ट करेगा एड्स कौन सी दिखाना है व्यूअर को, कौन सी नहीं दिखाना है, यानी स्कीपेबल दिखाना है या फिर नॉन स्कीपेबल दिखाना है। इसके अलावा आपको अब कोई भी यहाँ पे मैनेज करने का, यहाँ पे कोई भी चॉइस करने का आपको ऑप्शन YouTube नहीं देता इस अपडेट के बाद से। और ये अपडेट यहाँ पे इस नवंबर से ही लागू हुआ है। सो आई होप आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चल गया होगा, इस अपडेट के बारे में पता चल गया होगा कि YouTube क्या बता रहा है एड्स के बारे में। सो वीडियो अच्छा लगा, पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे कॉन्टेंट देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।